नमस्कार मेरे प्यारे सभी बच्चों कैसे हैं आप दोस्तों ईडियम्स की एम बी बुक से ये बहुत शानदार सीरीज़ हम लोगों ने आपके लिए स्टार्ट की आपकी बहुत डिमांड पर आप लोगों को पसंद आ रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज अल्फ़ाबेट ए के कंप्लीट ईडियम्स हम लोग आपको करवाने वाले हैं एक वीडियो में ही आपको सारे इडियम्स देखने को मिल जाएंगे लगभग फिफ्टी प्लस सेवनटी प्लस स्टोरी इडियम्स आपके ये हैं वो भी विट ट्रिक और इसमें हमने एडियम्स को पिक्चर से रखा है बच्चों यानी कि आपको पिक्चर के माध्यम से हम लोग ये एडियम्स समझाएंगे जिससे आपको ईडियम्स बहुत ईजिली लर्न हो जाएंगे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर अ ड्रॉप ऑफ द हैड इंस्टेंटली ये ड्रॉप ऑफ द हैड यहाँ पर पिक्चर को देख करके हमने इसमें ट्रिक भी बताई साथ साथ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से ये ईडियम्स याद हो जाएंगे और आप इनको कभी भूलेंगे भी नहीं देखिए आने वाले एग्जाम्स में आप लोग अभी से ही अपना प्लान तैयार करके चलें जिससे कि आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो ये काम बच्चों एक दिन का नहीं है यह काम आपका कंटिन्यूटी के साथ में करने का है इसलिए मैंने ये सीरीज आपकी अभी से ही शुरू कर दी है खासकर ये सीरीज आपकी सी जी एल सी एच एस एल एम टी एस इन सभी एग्जाम्स में काम आने वाली है सो so, दोस्तों जो सबसे पहला एडियम है हमारा वो है अब हाइव बच्चो एडियम है हमारा अव बच्चो अब हाइव यानी कि बच्चों आपने देखा देखोग बीहाइव मतलब मधुमक्खी के छत्ते को बोलते हैं बी मतलब मधुमक्खी हाइव मतलब छत्ता तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि कितना ज्यादा बिजी प्लेस है वो वहां पर किस तरह से मधुमक्खियां चिपटी रहती हैं लिपटी रहती हैं तो दोस्तों बस इसका मीनिंग भी यही है अ अ वेरी बिजी बिजी प्लेस प्लेस यानी यानी कि कि एक एक व्यस्त व्यस्त जगह जगह बहुत बहुत बिहाइव तो दोस्तों ये रहा आपका पेरेडियम चलते दोस्तों दूसरे डिम की तरफ कह रहे हैं कि अ बैड हेयर डे अ बैड हेयर डे मतलब अ डे वेन एवरीथिंग सीम्स टू गो रोंग यानी कि एक ऐसा दिन यानी कि जिस दिन सब कुछ आपके साथ बस बुरा ही बुरा जा रहा हो अ बैड हेयर डे अ बैड हेयर डे बच्चों जब होता है ना कि बाल टूटने का सीजन चलता है जैसे कि आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों पतझड़ चल रहा था तो बाल टूटने का सीजन चल रहा था और हर रोज टूट रहे थे इतने टूट रहे थे कि इतने आ नहीं रहे थे तो एक चिंता का विषय बना हुआ था तो हर रोज आपके लिए बुरा दिन था खासकर लड़कियों के लिए बहुत ही चिंता का विषय ये हो, हो जाता है तो दोस्तों इसी तरह से याद देख के इसको अब हेयर डे मतलब एक बुरा दिन एक बुरा दिन बोन टू पिक ध्यान रखना बच्चों की एक बोन है यानी कि एक ही हड्डी है और उसको उठाने वाले बहुत सारे कुत्ते हैं अब शर्त यह है कि पहले कौन उठाएगा तो बस एक विवाद है यानी तरह से a bone to pick, मतलब a that must be एक ऐसा विवाद जिससे निपटाना जरूरी हो क्योंकि यह निपटाना इसलिए जरूरी है इसको लेकर के बहुत लड़ाई हो रही है अब यानी कि एक ऐसा विवाद जिससे निपटाना बहुत ज्यादा जरूरी हो अगला है बच्चों अ केक वॉक बच्चों इसी से एक आपका बनता है एन ऑयल वॉक बच्चों केक वॉक मतलब केक लेकर के चलना बच्चों केक आपको पता है कि बहुत स्थिर मात्रा में रहता है आप इसको लेकर के चल के आप भाग भी सकते हैं वो कहीं नहीं गिरने वाला लेकिन अगर आपको एक कटोरा भर करके ऑयल का दे दिया जाए तो आप उसे लेकर नहीं चल सकते हैं आपको चलने में बहुत दिक्कत होगी हल्का सा भी छलका तो वो छलकता ही चला जाएगा अब केक वॉक का मतलब बच्चों बहुत ईजी कार रही यानी कि एन वर्क यानी कि एक आसान कार रही अगर इसी की जगह आपका एडियम होता एन ऑयल वर्क तो इसका मतलब रहता एक हार्ड कार्य यानी कि एन हार्ड वर्क एक मुश्किल कार्य है सो so दोस्तों दो एडियम आपके सामने रहते हैं इस तरह से हार्ड वर्क एक आसान कार्य और एक मुश्किल कार्य अच्छिल टू द हार्ट यानी कि बिल्कुल ठंडा पड़ जाना हाथ पैर का शरीर का दिल का बिल्कुल ठंडा पड़ जाना अच्छिल टू द हार्ट यानी एक्सट्रीम फियर बहुत अधिक डर जाना बहुत अधिक डर जाना बहुत अधिक भय होना चिल टू दियर चिल मतलब ठंडा पड़ जाना बुरी तरह से अगले डेम है अचिप ऑन वन शोल्डर अचिप ऑन वन शोल्डर किसी के शोल्डर पर कोई चिप रख देना अ टेंडेंसी टू गेट एंग्री क्विकली यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत आसानी से बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अच्छी पोन वंस सोल्डर बच्चों का अपना एक अलग ही मजा है इंग्लिश स्पीकिंग बोलते हुए अगर आप लोग कुछ ईडियम याद कर लें और उनको अपने डेली के लैंग्वेज में यूज करना शुरू कर दें तो इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत तेजी से इंप्रूव हो सकती है अच्छी पोन वंस शोल्डर टेंडेंसी टू गेट एंग्री क्विकली मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हो अ क्लोज फिस्टेड पर्सन एक ऐसा व्यक्ति फिस्ट बोलते हैं बच्चों मुट्ठी को फिस्ट यानी के मुट्ठी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मुट्ठी खोलता ही ना हो मतलब हमेशा बंद ही रखता हो यानी कि खर्च करना ही ना चाहता हो तो बच्चों को बोलते हैं स्टिंगी या माइजरली यानी कि एक कंजूस व्यक्ति एक कंजूस व्यक्ति यानी के ऐसा व्यक्ति जो खर्च करना ना चाहता हो बिल्कुल पैसे को अपने पास बचा कर, कर रखता हो अ क्लोजेस्टेड पर्सन अ डैम्सेल इन डिस्ट्रेस बस डैमसल बोलते हैं गर्ल को ही यानी कि लड़की को ही बोलते हैं डैमसल इन डिस्ट्रेस मतलब परेशानी में किसी लड़की का परेशानी में होने यानी कि अ गर्ल इन प्रॉब्लम अ गर्ल इन अ प्रॉब्लम या फिर अ गर्ल इन प्रॉब्लम किसी संकट में कोई लड़की किसी संकट में कोई लड़की तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अ डैमसर इन डिस्ट्रेस बस आपको याद रखना है कि डैमसर भी लड़की को ही कहा जाता है अ डाइम अ दर्जन याद रखें दाम एक दर्जन याद रखना दाम एक दर्जन दाम एक दर्जन केलो के एकदम साधारण हैं, क्वाइट ऑर्डिनरी क्वाइट ऑर्डिनरी यानी कि एकदम साधारण होना दाम एक दर्जन केलों के एकदम साधारण हैं क्वाइट ऑर्डिनरी और डॉग्स लाइफ यानी कि बिल्कुल कुत्ते जैसे जिंदगी जीना यानी कि बहुत ही दयनीय जिंदगी जीना देखा ना आपने कुत्तों को किस तरह की जिंदगी जीते हैं बेचारे कोई उनको मार देता है कोई उनको रोटी नहीं देता है कोई कुछ, कुछ, कुछ कहता है कोई कुछ कहता है कोई पत्थर मार के भगा देता है तो एक दैनीय जिंदगी पैथेटिक लाइफ 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 जीवन अ अ डॉग्स डॉग्स बच्चों डॉग को लेकर के और भी बहुत सारे एडम्स हमारे लिए हमारे एग्जाम्स में आते हैं बच्चों लेकिन जैसे जैसे समय पर वो आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको उन के बारे में बताता चला जाऊंगा दोस्तों अगले एडियम है हमारा अ ड्रॉप इन द बकेट यानी कि बकेट बोलते हैं बच्चों बाल्टी को ड्रॉप बोलते हैं बूंद को ड्रॉप बोलते हैं बूंद को बकेट मतलब बाल्टी को यानी कि एक बाल्टी में एक बूंद गिराना या बाल्टी से एक बूंद उठाना जैसे मर्जी यहाँ रख लीजिएगा अ टाइनी अमाउंट यानी कि मात्रा में बहुत ही कम कोई बहुत ही कम चीज होना यानी कि कोई महत्वहीन या बहुत छोटी मात्रा में किसी चीज का होना या किसी की तुलना करना तो दोस्तों अ ड्रॉप इन द बकेट इस तरह रखें इसके लिए एक बड़ा प्यारा पैराइडम और भी है अ ड्रॉप इन द ओशियन बकेट की जगह कई बार यहां याँपा पर आपको ओशियन भी दिया जा सकता है ये एक बड़ा प्यारा एडियम भी है और एक बहुत बड़ा मुहावरा भी है इसका मतलब होता है बच्चों अड्रोप इन मतलब ऊंट के मुंह में जीरा ऊंट के मुंह में जीरा हो सकता है आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी अड्रोप इन द दिन ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत कम अगला है अ फ्लैश इन द पान बच्चों पान बोलते हैं कढ़ाई को आपने सुनाऊंगा ना फ्रेंक पैन घर में बनाते हैं चाय वगैरह जिसमें नॉर्मली हम लोगों का प्रोनाशिएशन बड़ा रोंग रहता है इसको लेकर के फ्रेंक पैन बोलते हैं बच्चों पैन मतलब कढ़ाई फ्लैश इन द पान बच्चों आपने अक्सर देखा होगा कभी ढाबे वगैरह पर जब आप खाना खाएंगे तो वो जो छोंक लगाते हैं तो उनके छोक में एक आग से लग जाती है जिससे उनका छोक बड़ा शानदार रहता है इसी तरह का अगर आप घर लगा रहे हैं और अचानक से आपके में इसी तरह की आग लग जाए तो आप लोगों को बड़ी खुशी मिलेगी बहुत ही अच्छा लगेगा कि आज तो ढाबे वाली सब्जी घर में बनी है सडन बट टेम्परेरी सक्सेस यानी कि एक ऐसी सफलता जो टेम्पररी है थोड़े समय के लिए यानी कि ऐसा छोंक आपका डेली नहीं लगने वाला है क्योंकि वो हैबिचुअल है और आपकी अचानक सफलता मिली है अचानक परंतु क्षणिक सफलता अगला है बच्चों अगिट फ्लाइंग विजिट मतलब विजिट मतलब घूमने जाना फ्लाइंग मतलब उड़ते उड़ते कहीं घूमने जाना यानी पर थोड़ी देर के लिए जाना विजिट कुछ भी हो सकते हैं <coughs> तो थोड़ी देर के लिए कहीं पर जाना अ फ्लाइंग विजिट अ फुट इन द डोर फुट इन डोर अ फुट इन द डोर मतलब टू डू समथिंग दैट कुड लीड फॉर द अपॉर्चुनिटीज यानी कि कोई ऐसा काम करना जिससे आपके आगे के रास्ते भी खुल जाएं अ फुट इन द डोर बच्चों देखो नाम से पता है डोर मतलब ऐसा दरवाजा जिसे आपने खोल दिया मतलब एक दरवाजा अगर आपने खोल दिया तो उससे आपके आगे के सारे दरवाजे खुल गए बच्चों ऐसा दरवाजा कोई यस मतलब ये मेन डोर है बस उसे खोल दिया तो आपने सारे कमरे खोल दिए अपने तो द चांस टू डू समीड फर्दर अपॉर्चुनिटीज कोई ऐसा काम करना जिससे आगे के अवसर खुल जाए अ गोल्डन मीन बच्चों मीन बोलते हैं माध्य को आपने जरूर मैथामेटिक्स में पढ़ा होगा मीन निकालना माध्य निकालना गोल्डन मतलब सुनहरा अ गोल्डन मीन मतलब बीच का रास्ता और वो भी ऐसा जो सबके लिए फायदेमंद हो द मिडिल चॉइस बिटवीन टू एक्सट्रीम कंडीशन यानी कि दो विपरीत परिस्थितियों के बीच में एक ऐसा रास्ता निकालना जो दोनों के लिए फायदेमंद हो यानी कि बीच का रास्ता बीच का रास्ता <coughs> मतलब बच्चों एक ऐसा व्यक्ति जिसका सोने का दिल हो, हार्ट ऑफ गोल्ड सोने का दिल होना यानी कि एक काइंड एंड ऑनेस्ट पर्सन यानी कि एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो A हरकुलन टास्क बच्चों एक ऐसा कार्य है जिससे करना बहुत मुश्किल हो अर्कुलश्किल अ वेरी वर्क मतलब एक बहुत ही कठिन कार्य यानी कि हिंदी में भी लिखा हुआ है इंग्लिश में भी लिखा हुआ है आपके सामने आगे चलते हैं बच्चों अलोट ओन वंस प्लेट यानी कि अपनी प्लेट में बहुत ज्यादा रख लेना यानी कि बहुत ज्यादा काम की जिम्मेदारी होना जरूर से ज्यादा जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के हाथ में होना लॉट ऑन वंस प्लेट बच्चों प्लेट आपके सामने आज दिखाई दे रही है इसमें बहुत सारा भर लेना कई बार आपने अक्सर शादी ब्याह में देखा होगा किसी व्यक्ति को जरूर खाते हुए वो एक ही प्लेट में अपना सब कुछ धर लेता है जो भी आइटम वहाँ पे बनी होती है बस वहीं पर आप ईडी याद कर लेना अपना तुरंत अलोट ऑन वंस प्लेट यानी कि बहुत अधिक काम की जिम्मेदारी होना अगला बच्चों एक नया एडियम है ये बिल्कुल 2021 में यानी कि कोरोना के बाद वाले एग्जाम्स में ये आपका एडियम देखने को मिला मतलब बच्चों एक मूर्ख व्यक्ति यस कैसा व्यक्ति एक मूर्ख व्यक्ति फुलिस पर्सन अगला बच्चों यानी कि नौ दिनों का वंडर सिर्फ यानी कि

बहुत जल्दी हिट हुआ है बच्चों आपको पता ही है कितने अच्छे से हिट हुआ है बचपन का प्यार तो ये वो व्यक्ति जो बहुत तेजी से वायरल हुए बहुत तेजी से फेमस हुए लेकिन अब उनका कुछ नहीं पता है चार दिन की चांदनी चार दिन की चांदनी अगला बच्चों अब पैरल ऑफ वैब बच्चों वैब बोलते हैं जाले को इसको बोलते हैं बच्चों जाले को एक ऐसा जाला जो कभी समाप्त नहीं होगा बच्चों एंड एंडलेस वर्क कभी समाप्त नहीं होने वाला यानी कि एक ऐसा कार्य जो कभी समाप्त नहीं होगा सेफ पेयर ऑफ हैंड्सेफ पेयर ऑफ हैंड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ईमानदार हो दोनों हाथ उसके ईमानदारी से भरे हुए हों, किसी काम को करने के लिए भरोसेमंद व्यक्ति पास में अस्सी चेंज अस्सी चेंज बच्चों, सी चेंज मतलब पूरी तरह से चेंज आ जाना समुद्र वगैरह में जब कभी कोई तूफान आता है बच्चों तो आसपास का जो नजरिया है आसपास का जो नज़ारा है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है यानी कि सब बसी बसाई बस्तियाँ सब पूरी तरह से तबाह हो जाती हैं तो पूर्ण बदलाव आ जाता है वहाँ पे यानी कि पूरा एक समतल एरिया बन जाता है तो बच्चों इसका मीनिंग हो जाएगा पूर्ण बदलाव आ जाना कंप्लीट चेंज या फिर कंप्लीटली चेंज हालांकि किताब में कंप्लीट चेंज लिखा था तो, तो मैंने कंप्लीट चेंज ही लिखा है तो पूरी तरह से बदलाव आना असोर पॉइंट बच्चों आपका इडियम अगला असोर पॉइंट यानी कि एन इशू दैट कैन मेक एनीवन एंग्री यानी कि एक ऐसा मुद्दा जो हर किसी को यानी कि किसी को भी चाहे वो कोई भी हो उसको नाराज कर दे एक ऐसा मुद्दा जो किसी को नाराज कर दे अब बच्चों जरा ध्यान देना सोर का मतलब होता है बच्चों किसी का कोई घाव यानी कि जैसे मान लीजिए किसी को चोट लग गई है तो वहां पर जो घाव बन जाता है उसको बोलते हैं सोर और सोर पॉइंट यानी कि एक उसी पॉइंट पे आपने बार-बार हाथ रख रहे हैं पैर रख रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं जहां उसके घाव लगा हुआ है सो अ सोर पॉइंट मतलब आपने उसकी दुखती रख पे यस yes, क्या बोलते हैं ना कहावत एक दुखती रग पे पैर रख देना तो आपने वही कर दिया एन इशू देट कैन मेक एनी वन एंग्री एक ऐसा इश्यू जो हर किसी को नाराज कर दे एक ऐसा मुद्दा जो हर किसी को नाराज कर दे यस yes, अगर आप अकेले सरकार से चुनाव में हारने के बाद चुनाव हार कर पूछने लगे तो वो डेफिनेटली नाराज हो जाएगा बस इसी तरह से अगला बच्चों हमारा एडियम स्क्वायर डील बच्चों बच्चों कितना सीधा होता है सिंपल सा ये yes, तो तो मुश्किल से बनाए अगर उसको ट्रेपिजम कहा जाए तो शायद वो बना पाए लेकिन रोमबस स्क्वायर बनाना बहुत आसान है स्क्वायर डील मतलब एक ऐसी डील जो बिल्कुल साफ सुथरी हो कैसी हो जो बिल्कुल साफ सुथरी और ईमानदारी भरी ईमानदारी so, भरा बर्ताव करना देखिए साफ सुथरा और ईमानदारी भरा बर्ताव करना तो दोस्तों इसका मीनिंग हो जाएगा आपका ऑनेस्ट एक्शन और बिहेवियर अगले में बच्चों स्टैंडिंग जॉग अ स्टैंडिंग जॉग बच्चों एक ऐसा व्यक्ति जिसको देखते ही हंसी आ जाए एक ऐसा व्यक्ति जिसके कार्यों पर जिसके क्रियाकलापो पर आपको हंसी आती हो उसे बोलते हैं जोक या फिर व्यक्ति ने अपनी छवि इस तरह बना ली है कि उसको देखते ही हंसी की बात है जैसे कि हमारे कपिल शर्मा जी अगर कपिल शर्मा जी आपके सामने हो तो आपको देखते हुए हमारे गुग्गी पाजी इसी तरह से बच्चों अ टॉपिक ऑफ लाभ अ टॉपिक ऑफ लाभ यानी कि मजाक का विषय अबाउट फेस और टर्न बच्चों ध्यान देना मतलब आप पीछे कुछ बोल रहे हैं लेकिन जैसे उसको आपने सामने देखा आप एकदम टर्न हो गए अपनी बातों में यानी कि आपने अपनी बातें एकदम घुमा दी अबाउट फेस एंड टर्न का मतलब अ कंप्लीट चेंज इन व्यू अपने विचार और दृष्टिकोण में अपने विचार और दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव लाना पूर्ण बदलाव लाना किसी को देख करके अबाउट फेस यानी कि उसके फेस पर आपने कुछ और है और पीछे उसके कुछ और तो इस तरह से बच्चों ये डिम आपको बनेगा Above बोर्ड above बोर्ड बच्चों बोर्ड के दो मीनिंग होते हैं एक तो बोर्ड वो बोर्ड जिसपे पढ़ाया जाता है या फिर प्लाई बोर्ड कुछ भी और एक बोर्ड यूनिटी यस वो आपका बोर्ड यानी कि दल यस उसको बोलते हैं बोर्ड तो एब बोर्ड यानी कि बिल्कुल उसको बिल्कुल जाकर के साफ साफ बोल देना क्लियर एंड ऑनेस्ट यानी कि स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मीनिंग ये क्लियर अगला है अबव पार बच्चों अगला वर्ड है हमारा अबव पार बच्चों अबव का मीनिंग आपको पता ही है कि अबव का मीनिंग क्या होता है बच्चों पार का मतलब होता है बच्चों किसी चीज का लेवल किसी चीज का कोई लेवल या बराबर जिस कोई भी आपका स्तर वगैरह है उसके लिए लगाते हैं पार तो अबव पार का मतलब बच्चों किसी लेवल से परे किसी लेवल से परे मतलब किसी लेवल से बाहर अबव एवरेज यानी कि साधारण से ऊंचे स्तर का अब एवरेज मतलब साधारण से ऊंचे स्तर का तो quite high in comparison. अगर आप उसकी तुलना करें तो थोड़ा सा वो कंपैरिजन में अच्छा होगा पहले के मुकाबले चलिए जी अगले एडिये में एक्सेप्ट द गाउंटलेट यस एक्सेप्ट द गाउंटलेट बच्चों एक्सेप्ट द का कौन होता है चुनौती स्वीकार करना और बच्चों यहाँ पर कैसे आ रखेंगे बच्चों देखिए एक्सेप्ट का मतलब आपको पता ही है स्वीकार करना गाउंटलेट बोलते हैं बच्चों लोहे के दस्ताने को लोहे के दस्ताने पहनना यानी के लोहे के दस्ताने पहनने बच्चों के ऐसी चुनौती जिसको करना बड़ा मुश्किल हो या फिर समझ लीजिए कि युद्ध के लिए तैयार होना क्योंकि उस पर कुछ अस्त्र वस्त्र का कोई प्रहार का प्रभाव नहीं पड़ता है टू एक्सेप्ट द चैलेंज चुनौती स्वीकार करना एक्सेप्ट द गाउटलेट टू एक्सेप्ट द डिस्काउंटेड अगला देखिएगा क्या कह रहा है एस अप वंस स्लीव एस अप वंस स्लीव बच्चों एस का मतलब होता है एस का मतलब शिखर होता है शानदार होता है और अगर आप ताश खेलते हैं तो ताश के पत्तों में एस का मतलब इक्का होता है बच्चों क्या होता है इक्का तो एस अप वन स्लीव मतलब आपने अपनी आस्तीन में इक्का छुपा रखा है ताश खेल रहे हैं आप इक्का सबसे बड़ा प्रहार करता है ताश के खेल में तो भैया ऐसा प्लान जो किसी को नहीं पता है सीक्रेट प्लान क्या बच्चों सीक्रेट प्लान यानी कि एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली वस्तु जिसके बारे में दूसरों को ना पता हो एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली वस्तु जिसके बारे में दूसरों को ना पता हो यानी कि एस अप वंस स्लीव अगला बच्चों एकिल्स हिल एकिल्स हिल का मतलब है बच्चों कमजोर पहलू अब वीक पॉइंट यानी कि जो आप देख रहे हैं हील यानी कि एडी डी हील यानी कि एडी तो यहीं से आपकी चप्पलें टूटती हैं लड़कियों जब भी कभी कोई दिक्कत आ जाए इतनी ऊंची सैंडल अगर आपने पहनी है तो तो एकिल्स हील मतलब एक ऐसा पहलू जो कभी भी आपको धोखा दे सकता है बच्चों एकिल्स हील चलिए आगे चलते हैं बच्चों लेकर के आपको नेक्स्ट इडियम पर एसिड टेस्ट दो तरह से इसको आज सकते हैं बच्चों एसिड बोलते हैं तेजाब को आपने इसके बारे में कई बार जरूर पढ़ा होगा कई बार पहले आपने सुना होगा कहानियाँ कि किसी भी लड़की के ऊपर जो है तेजाब करके भाग गया कोई लड़का तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसा याद रखेगा कठिन परीक्षा या फिर जो बच्चे साइंस साइड से पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि किस तरह से लाइब्रेरी में हम लोगों को, को मैं भी साइंस साइड से पढ़ा हूँ बच्चों ट्वेल्थ क्लास में जब आप रहे होंगे तो आपको किस तरह से दे दिए जाते थे केमिकल्स मिला करके और आपको पता लगाना पड़ता था कि कौन कौन से कैमेकर मिलाए गए हैं तो ऐसे टेस्ट मतलब टफ टास्क एक कठिन परीक्षा अगले डे में बच्चों एडम्स 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 बच्चों ऐसा माना जाता है कि धरती पर जो सबसे पहले व्यक्ति आया उसका नाम एडम था यस yes, हमारे यहां के हिसाब से मनु अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी एडम बच्चों और मे एल बोलते हैं शराब को एक तरह से यानी कि एडम सेल मतलब शराब लेकिन वो उनके लिए पानी का ही काम करती थी इसलिए बच्चों एडम सेल मतलब वॉटर या पानी ही आप उसको बोल सकते हैं एडम सेल यानी कि पानी आगे देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पे एड फ्यूल टू द फायर बच्चों आग में फ्यूल डालना आग में फ्यूल मतलब ईंधन को बोलते हैं बच्चों कोई भी ईंधन चाहे वो मिट्टी का तेल डीजल पेट्रोल इसको कुछ भी ले सकते हैं आप तो आग में फ्यूल डालना यानी कि आग में घी डालना कह सकते हैं आप इसको आग में घी डालना यानी यानी कि worse, worse, यानि कि टू टू मेक मेक अ अ बैड बैड कंडीशन कंडीशन स्थिति को बद से बदतर बनाना किसी को भड़काना आप इसको इस तरह सकते हैं बच्चों इसी के ही जैसा एक और मीडियम आपके सामने आ रहा है बच्चों सेम मीडियम है दोनों तो जी ने एड इंसल्ट टू एन इंजरी एड इंसल्ट टू एन इंजरी मतलब बच्चों किसी की चोट पर उसकी बेजती करना यानी कि उसके जले पर नमक छिड़कना टू मेक अ बैड सेम इम दोनों आपके एड इंसल्ट टू इंजरी और एड फ्यूल टू द फायर अगेंस्ट द क्लोक यानी के बच्चों बिल्कुल खिलाफ किसी चीज के काम करना अगेंस्ट द क्लोक मतलब किसी चीज के बिल्कुल खिलाफ काम करना ऐसा हो कि आपको काम दिया गया हो एक घंटे का या कोई दूसरा व्यक्ति उसे एक घंटे में फिनिश कर रहा है लेकिन आप उसे बिल्कुल उल्टा जाकर के दस से पंद्रह मिनट में खत्म कर रहे हैं तो एज फास्ट एज पॉसिबल बिफोर द डेड किसी तय समय सीमा के पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म कर अलाइव एंड थिंग बच्चों जब कोई बच्चा पैदा होता है और वो कुछ एक्टिविटी ना कर रहा हो तो उसकी एक्टिविटी चेक करने के लिए नर्स वगैरह जो है उसको चूटी वगैरह मार देती हैं जिससे कि वो रोए अपने हाथ पैर फेंक के मारे इस तरह से तो वो ज़िंदा है और उसके हाथ पैर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं ये चेक करने के लिए ऐसा किया जाता है तो एलाइव एंड मतलब हेल्दी एंड एक्टिव यानी कि सक्रिय एवं स्वस्थ तो बस ये चेक करने के लिए कि वो सक्रिय है नहीं है और वो स्वस्थ है नहीं है ये चेक करने के लिए ऐसा किया जाता है तो अलाइव एंड किकिंग इसको आप याद रख सकते हैं अगला आईडिया बच्चो, बच्चो है बच्चों ऑल एगॉग ऑल एगॉग बच्चों ध्यान देना एगॉग जो वर्ड है बच्चों इसका मतलब होता है बच्चों आतुर या फिर बहुत ज्यादा उत्सुक यानी कि ऑल एगॉग मतलब सभी लोग उत्सुक हैं सभी लोग आतुर हैं या फिर कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से आतुर है पूरी तरह से उत्सुक है तो प्रेजेंटली सरप्राइज आश्चर्यचकित होना प्रेजेंटली सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित होना और तो बच्चों में आपको बता दूंगी एक बात और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल दोनों को ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा यानी कि जो भी वहाँ बटन होता है फॉलो का फॉलो कर लीजिएगा ग्रुप को ज्वाइन करने का जिससे कि आप लोगों को ये जो पीढ़ी मैं पढ़ा रहा हूँ ये वहाँ जो कि मिल जाए और आप लोग भविष्य में कभी पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप ये पेजेस ले सकते हैं और चाहे हो भी तो आप इस तरह से पढ़ने पाए आपको एक अलग ही मजा आएगा बच्चों यस और ये हम लोगों ने पूरा का पूरा आपके लिए स्ट्रेटी बना बनाया है जिसमें आप लोग अपना सी एच एस एल और एम टी एस को टारगेट लेते हुए चलेंगे चलिए बच्चों चलते हैं आगे आपके साथ में ऑल एंड बच्चों जैसे कि आपको चल ही रहा है पे ऑल ऑल एंड तो यहाँ पर आ चुका है और सन्ड्री का मतलब होता है बच्चों विविध या फिर अनेक विविध या अनेक यानी कि अलग अलग तो ऑल यानी सभी और सन्ड्री मतलब विविध अनेक तो सभी लोग यानी कि एवरी वन यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो छूट गया हो ओल एंड संडे मतलब सभी लोग अब इसको याद कैसे रखेंगे ध्यान रखना देखिए संडे से याद रख लो इसको आप सभी लोग चर्च वाले दिन संडे में मिलेंगे उल्टा बोल दिया मैंने सभी लोग संडे वाले दिन चर्च में मिलेंगे तो बस ओल एंड संडे वाले दिन चर्च में मिलते हैं इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं अगला है ओल बार्क एंड नो बाइट बार्क के दो मतलब होते हैं किसी पेड़ के छाल को भी बच्चों बाथ बोला जाता है सो दोस्तों पेड़ की छाल और कुत्ते के भोंकने को भी बात बोलते हैं यहां पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है कुत्ते के भोंकने के लिए किया जा रहा है कह रहा है कि ओल बार्क सबके सब, सब भोंक रहे हैं लेकिन काट कोई नहीं रहा है ये बच्चों एक बहुत ही बढ़िया इसके लिए एक रेडियो में ये कहावत है बार्किंग डोग सेलडम बाइट ये कहावत है यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं यहां पर भी यही मीनिंग इसका निकल के आ रहा है फुल ऑफ no या धमकी लेकिन काम नहीं तो बच्चों no अगला है ओल्ड ईयर्स क्या है बच्चों ओल्ड ईयर्स देखिए आपने कई बार ऐसा किया होगा कि अपने कानों के पीछे अपने हाथ लेके गए होंगे आप कान बना करके उनको भी तो बहुत ज्यादा जब कोई जरूरी या इंपॉर्टेंट बात हो तो अपने कान के आगे आप हाथ बढ़ा लेते हैं तो यानी के सुनने को बहुत ज्यादा उत्सुक सुनने को बहुत ज्यादा ओल्ड ग्रीक मतलब आपके सामने अगर ग्रीक लैंग्वेज लिख दी जाए तो शायद ही आप उसको समझ पाए ओल्ड ग्रीक मतलब कहते ना काला अक्सर भैंस बराबर बिल्कुल बस इसी तरह से यानी अनजान, अनफैमिलियर, जिसको आपको पढ़ने में दिक्कतें आ रही तो बस उसी तरह से याद रखें इसको आप। अगला है, यानी कि सभी का एक ही नाव में सवार होना ऑल इन द सेम बोट मतलब बच्चों एक ही परिस्थिति में होना एक ही परिस्थिति में होना एवरी वन इन द सेम कंडीशन सभी का एक ही परिस्थिति में होना ओल इन द सेम बोट सभी के सभी एक ही बोट में शामिल है बच्चों रात में आपने देखा होगा कि चंद्रमा की रोशनी में कितना चमक रहते कई बार और आपको लगने लगे कि चंद्रमा की वजह से सब कुछ चमक रहा है जी नहीं बच्चों ऐसा नहीं है चंद्रमा को भी प्रकाश मिल रहा है कहीं से चंद्रमा सूर्य से प्रकाश ले रहा है और फिर वो हमें प्रकाश दे पा रहा है ओल मून शाइन बच्चों तो यानी कि ये बिल्कुल एक झूठी बात है कि आपको पता चले कि चंद्रमा की अपनी रोशनी है जी नहीं चंद्रमा आपका एक नो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है रोशनी मिल रही है पीछे सूरज से तो कंप्लीट लाइज यानी कि पूरी तरह से बोला जाने वाला झूठ ओल वंस माइट एंड मेन बच्चों ओल वंस माइट माइट का मतलब होता है बच्चों ताकत क्या होता है माइट का मतलब ताकत और मेन मतलब जो भी आपके पास प्रमुख ताकत है हथियार है उसके वजह से तो ऑल वंस माइट एंड मेन का मतलब अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ में अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ में वंस फुल कैपेबिलिटी एंड एनर्जी किसी भी तरह से ऑल थम्स यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर काम में अपना अंगूठा डाता हो ठीक है हर काम में उंगली करता है वो अलग चीज है हर काम में अंगूठे से करता है वो अलग चीज है क्योंकि अंगूठा सिर्फ आपको पकड़ मजबूत करने के लिए बना है काम कर लेके नहीं, नहीं तो यहां पे ऑल थम्स का मतलब हो जाएगा कलमसी इन यूज ऑफ हैंड यानी काम करने में बेढंगा एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम को बड़े बेढंगे ढंग से करता हो उसके लिए लगाते हैं all thumbs. मैंने लगाया भी यहाँ पे बेढंगे का साइन सो दोस्तों एल्मा बच्चों एल्मा बोलते हैं एक ऐसे संस्थान को एक ऐसे स्कूल को जहां से आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की हो यस द स्कूल और कॉलेज वन हैड अटेंडेड यानी कि कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज जहां से आपने पढ़ाई शुरू की हो अपनी या पढ़ाई पूरी ग्रहण की हो पढ़ाई का पहला संस्थान पढ़ाई का पहला संस्थान चाहे उसमें स्कूल हो या कॉलेज हो अगला बच्चों एल्टर ईगो ये बड़ा प्यारा वर्ड बच्चों के सामने है एल्टर ईगो बच्चों एल्टर का मतलब होता है एक्सचेंज देखिए एल्टर आपके दो वर्ड होते हैं एक होता है एल्टर ए एल टी ई आर एक होता है ए एल टी -e ए आर -e बच्चों इस वाले ए एल टी ए आर का मतलब होता है बेदी या मंडप यस जैसा आपने कई बार देखा हो शादी वगैरह में मंडप सस्ता है उसे बोलते हैं बेदी तो मंडप यानी कि अल्टर और ये आपका अल्टर यानी कि एक्सचेंज बदलने वाला मतलब अल्टा पल्टी मारने वाला एक्सचेंज इसे ई से यहाँ रखो आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ए एल टी ई आर और एल टी ए आर का क्या डिफरेंस है तो ई वाने एक्सचेंज बस याद रखो ई से एक्सचेंज तो एल्टर माने एक्सचेंज ईगो मतलब आपकी अंदर की जो भावना है उनको एक्सचेंज करना अल्टर ईगो तो मतलब अपने एक कोई ऐसा मित्र कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप अपनी अंदर की बातें शेयर कर सकें एक्सचेंज कर सकें, एन इंटीमेट फ्रेंड बच्चों क्या हो जाएगा आपका ये एन इंटीमेट फ्रेंड यानी कि बहुत नजदीकी दोस्त बहुत नजदीकी दोस्त आपका ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड नेवर ब्राइड ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड नेवर ब्राइड यानी कि नेवर द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन

आपका आंसर हो जाएगा इसका कभी प्रमुख भूमिका मिलना होना अगला बच्चों हमारे पास में एन आंख दिखा रहा है तो उसको आंख दिखानी आपको आंख दिखाई गई है तो आप उसको आंख ही दिखाएं टिट फोर टैट इसको बोलते हैं बच्चों एन आयरन विल बच्चों विल के कई सारे मीनिंग होते हैं विल माने आपको फ्यूचर तो यह है ही गागी के लिए विल माने बच्चों होता है आपका वसीयत भी विल माने होता है इच्छा भी आयरन मतलब लोहे जैसी एक लोह इच्छा यानी कि लोहे जैसी इच्छा होना तो एन आयरन विल स्ट्रॉन्ग विल पावर या फिर मजबूत इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग विल पावर और मजबूत इच्छा शक्ति दोनों इडियम के मीनिंग इसी के लिए हैं अगला है एप्पल ऑफ एप्पल ऑफ डिस्कोड यानी कि झगड़े की जड़ झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण होना यानी कि आप समझिए के एप्पल आपके पास सिर्फ एक है और घर में खाने वाले बच्चे दो तो उनके बीच झगड़ा तो डेफिनेटली होना ही होना है तो इसीलिए कहते हैं इसको एप्पल ऑफ डिसकॉर्ड यानी कि झगड़े की जड़ यानी कि डिस्प्यूट झगड़े का कारण होना झगड़े का कारण होना एप्पल ऑफ वन्स आई बच्चों एप्पल ऑफ वन्स आई का मतलब होता है आंखों का तारा बहुत ज्यादा प्रिय इतना प्रिय कि उससे 더 प्रिय आपको कोई चीज या कोई व्यक्ति है ही नहीं तो एप्पल ऑफ वन्स आई बहुत प्यारा एप्पल पाई ऑर्डर बच्चों एप्पल पाई ऑर्डर मतलब ध्यान रखिएगा एप्पल मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में गए आपने एप्पल मंगाए और पाई मतलब आपने केक मंगाया बस दो चीज मंगाई यानी कि साफ सुथरा बिल्कुल साफ सुथरा और सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित देख रहे आप कितने अच्छे से, से व्यवस्थित केक इसका तो पूरा फिट है तो टाइडी एंड अरेंज्ड साफ सुथरा और सुव्यवस्थित इसको ऐसे याद रखें आप लोग बच्चों यहां से पिक्चर आपकी शुरू होती है कह रहा है कि आम चेयर क्रिटिक आम चेयर क्रिटिक अब बच्चों ध्यान दीजिएगा आम चेयर क्रिटिक मतलब एक ऐसी चेयर जिस जिसपे आप हाथ रख के बैठे हुए हो और वहीं बैठे बैठे आप सब कुछ बता रहे हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है और इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है यानी कि आप करके कुछ नहीं दिखा रहे हैं आप सिर्फ बोल के रहे हैं बत, मतलब बता रहे हैं वन हु स्पीक्स क्रिटिकली ऑन टॉपिक्स वन एक्चुअली नोज रिटिन यानी कि उन टॉपिक्स में बात करना जिसके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है कमाल की बात तो यह है तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ आलोचना करना जानता हो जिसे पता कुछ नहीं है दीन दुनिया का उसे बोलते हैं पूरी तरह लैस हो जैसे कि आप इस व्यक्ति को देख पा रहे होंगे हथियार लगाया है एक बंदूक यहां पर है एक बंदूक यहां पर है, एक यहां पर है और एक इसके यहां पर भी बंदूक है तो हथियारों से लैस आर्म्ड कंप्लीटली यानी कि हथियारों से लैस और मुझे लगता है कि आपको ये खूब अच्छे से याद हो गया होगा अगला है अराउंड द क्लोक यानी कि चौबीसों घंटे यानी कि पूरे समय हर समय बिजी रहना या काम करते रहना देखो ये किस तरह से भगा फिर रहा है बिल्कुल चौबीसों घंटे यानी कि पूरे दिन भगा फिर रहा है ये यानी कि हर समय क्या बच्चों हर समय एरो इन द द्यूअर बच्चों क्यूअर बोलते हैं ये धनुष रखने की तीर रखने की जगह को बोलते हैं जो हमारे प्रभु श्री राम जी के पास था एरो इन द क्यूअर अब बच्चो इस क्यूअर में आपके बहुत सारे एरो रखे हुए हैं यानी कि वन ऑफ सेवरल ऑप्शन एक ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल करा दे यानी कि इनमें से कोई ना कोई तो आपको सफलता दिलवा ही देगा एरो इन द क्यूअर एज डाफ्ट एज अ ब्रश बच्चो एज डाफ्ट एज अ ब्रश मतलब बहुत ज्यादा मूर्ख होना कोई व्यक्ति या कोई जानवर जो कि बहुत ज्यादा मूर्ख हो उसके लिए लगाते हैं बच्चों यानी कि कह रहा है डाफ्ट का मतलब भी मूर्खे होता है मैं आपको बता दू एज डाफ्ट एज अ ब्रश और ये ब्रश की बात की गई यहाँ पे तो ये आपके सामने हैं दो मूर्ख लोग कितने खुश हो रहे हैं जबकि इनको ये नहीं पता कि इन्हीं से ही होनी है और अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे तो वेरी स्टूपिड और फुलिश एकदम मूर्ख एज द क्रो फ्लाइज एज द क्रो फ्लाइज बच्चों क्रो को आपने उड़ता है देखा हो बिल्कुल सीधी रेखा में क्रो उड़ता है एकदम बिल्कुल सीधी रेखा में तो इन द मोस्ट डायरेक्ट पाथ यानी के एकदम सीधी रेखा में एकदम सीधी रेखा में एज द क्रो फ्लाइज एटल लॉस बच्चो एटल लॉस का मतलब होता है पूरी तरह से कंफ्यूज होना मतलब पता ना लगा पाना कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है जब इस तरह की कंडीशन आपके सामने आ जाए तो उस समय बोलते हैं बच्चों कंप्लीटली कन्फ्यूज यानी कि पूरी तरह से कन्फ्यूज होना ये बिल्कुल कंफ्यूज हुआ खड़ा है इस समय कि मैं इंग्लिश अड्डा से पढ़ूँ या कहीं और से

परहेज करना या दूरी बनाना टू अवॉइड कमिंग क्लोज टू वन किसी को अपने नजदीक आने से रोकना देखिए ये किस तरह से हाथ मार के इसको ये परे कर रहा है जिससे कि इसको ना देख सके तो अवॉइड करना इसको एट क्रोज पर्पज मतलब बच्चों अब क्रोज पर्पज मतलब जब दो उद्देश्य आपके सामने खड़े हों मेरा कुछ और और आपका कुछ और हो उसे बोलते हैं क्रोज पर्पज इन कॉन्फ्लिक्ट विरोधी होना किसी का देखिए ये नाव को इधर ले जाना चाह रहा है और ये नाव को इधर ले जाना चाह रहा है तो दोनों के पर्पस इनके अलग अलग हैं इसे बोलते हैं क्रोज पर्पस क्या बोलते हैं बच्चों इसको क्रोस पर्पस अगला डैगर्स बच्चों डैगर्स बोलते हैं खंजर को या कृपाण को जो हमारे सिख भाइयों के पास हुआ करती है कृपाण उसे बोलते हैं डैगर और बच्चों ड्र माना होता है खींचना ड्रो माना होता है खींचना ड्रो से ही बना है वर्ड आपका ये ड्रोन यानी कि थर्ड फॉर्म बनी है आपकी ये तो दोस्तों यहाँ पर एट डैगर्स ब्रोन का मतलब होगा कृपाण खेचना या खंजर खेचना यानी ज्यादा जरूरत आन पड़ी हो इस दोस्तों तो रहे हैं आप लोग किस तरह से लड़ रहे हैं आपस में अगला है एट लार्ज बच्चों का मतलब जो कि मतलब बहुत दूर एट लार्ज मतलब बहुत दूर इतनी दूर के वो कानून की पकड़ से पूरी तरह से बाहर है जिसको आप पुलिस भी नहीं पकड़ पाएगी स्टिल नॉट कट की पकड़ से पूरी तरह से बाहर अगला बच्चों एट लोगर है बच्चों ये भी विरोधी ही एक तरह से यानी के लोगर हेड वैसे तो कायदे की बात तो है कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल दी वाली बातें कर रहा हो बिल्कुल बेवकूफ वाली बात कर रहा हो और दूसरा व्यक्ति है जो सामने वो समझदार वाली बात कर रहा है तो ये एक दूसरे के जो है बिल्कुल विरोधी हो जाएंगे क्योंकि तो एक बंदा बात कर रहा है बिल्कुल बेवकूफ वाली एक व्यक्ति बात कर रहा है समझदारी वाली तो दोनों एक दूसरे के विरोधी होने ही होने हैं इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन किसी से कॉन्फ्लिक्ट या फिर विरोध हो जाना एट लूज एंड बच्चों यानी कि सबसे कमजोर हिस्सा या सबसे कमजोर पहलू यानी कि इस तरह समझ लीजिएगा कि ऐसा व्यक्ति जिसमें बेरोजगार है और बहुत ज्यादा बेचैन है विदाउट एनी रेगुलर ऑक्युपेशन एंड अनसेटल्ड यानी कि उसको रेगुलर ऑक्युपेशन नहीं है और सेटल भी नहीं है वो बंदा इसी वजह से जो है वो बड़ा परेशान है और बड़ा बेचैन सा है तो बच्चों बेरोजगार एवं बेचैन बेरोजगार एवं बेचैन आपका हो जाएगा इसका मीनिंग ये देख रहे हो आप लोग कितना बेचैन सा दिखाई दे रहा है देखने में ये इसका मीनिंग है अगला है बच्चों एट ओड्स एट ओड्स का मतलब होता है बच्चों विचारों में विरोधी होना एट लॉगन शेड्स विचारों में विरोधी होना अभी जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले एक एडियम, क्रोस परपस, बस उसी के जैसा ये भी आपका है यस इससे पहले हमने एक और पढ़ा हेड्स भी बिल्कुल उसी के जैसा ही है तो विचारों में विरोधी ये अपनी बात कुछ और कहना चाह रहा है और ये कुछ और कहना चाह रही है तो ये दूसरे के विचारों में विरोधी हुई एट वंस विट एंड बच्चों विट बोलते हैं अकल को आपके दिमाग को और वो आपकी एंड हो चुकी है पूरी तरह से यानी कि अब आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं तो आप पूरी तरह से कन्फ्यूज हैं कंप्लीटली कन्फ्यूज जिससे कि ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है खड़ा हुआ यहाँ पे समुद्र के बीच बीच इसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं अगला है एट रैंडम एट रैंडम मतलब बच्चों बिल्कुल बिना किसी तैयारी के और बिना किसी कारण के तुरंत कहीं पर भी चला जाना विदाउट एनी रीजन और प्लानिंग बिना कारण के तो यहां पर ये कोई व्यक्ति आपको चले अचानक से लेकर के मार्केट की तरफ लेकिन वो लेके पहुंच जाए आपको रेस्टोरेंट की तरफ तो बच्चों उसको बोलते हैं विदाउट एनी प्लानिंग विदाउट एनी प्लानिंग अगला बच्चों एट सी गैस समुद्र के बीच में जब आप पहुंच जाएंगे तो आप मुश्किल से ही पता लगा पाएंगे कि मुझे किधर जाना है और किधर नहीं क्योंकि समुद्र के बीच में जाने के बाद में आपको चारों तरफ सिर्फ पानी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा तो सही रास्ता किधर से है किधर से नहीं आपको नहीं पता लग पाएगा तो आप हो जाने वाले हैं आप पूरी तरह से कंफ्यूज और इसका मीनिंग भी है भी। जैसे कि ये व्यक्ति आपका खड़ा हुआ है समुद्र के बिल्कुल बीचम बीच अगला बच्चों एट सिक्स एंड सेवन एट सिक्स एंड सेवन।, सेवन का मतलब होता है बच्चों सब कुछ अस्त व्यस्त होना डिसऑर्गेनाइज होना तित होना ये देखिए पे किस तरह से सारी फाइलें तितर बितर हो रखी हैं सब अस्त व्यस्त हो रखा है तो इसे बोलते हैं बच्चों एट सिक्स एंड सेवन एट स्नेल्स पेस बच्चों कह है कि एट स्नेल्स पेस स्नेल्स बोलते हैं बच्चों एक जानवर होता है घोंगा जो बहुत ही धीमी गति से चलता है जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं ये रहा ये मैंने यहाँ भी लगाया है बहुत स्लो स्लो चलता है बस उसी से आपका एडियम बना है पेस बोलते हैं गति को आपने सुना होगा मीडियम पेस सर जो कि बोलिंग वगैरह के अंदर आपने सुना होगा कई बार तो पेस माने गति बस घोंगे की गति से यानी कि बहुत धीमी गति से विद वेरी स्लो स्पीड आगे बढ़ते हैं बच्चों एट द ड्रॉप ऑफ द हेड यानी जैसे उसकी टोपी गिरी बस तुरंत उठा ली उसने तो इंस्टेंटली यानी कि तुरंत उठा लेना या फिर तुरंत कोई एक्शन करना तो एट द ड्रॉप ऑफ द हेड यानी के बिना किसी देरी के तुरंत किसी को उठा लेना अगला है एट द एंड ऑफ वंस टीथर बच्चों टीथर बोलते हैं खुंटे को जिस खुंटे या खुंटी से किसी को बांध दिया जाए उसे बोलते हैं टीथर तो ये बेचारा एक गधा जिसको एक खुंटी से बांधा हुआ है और ये इससे आगे नहीं जा सकता बेचारा और कुछ कर भी नहीं सकता तो इसकी सहन शक्ति की ये अंतिम सीमा है बस कंप्लीटली एग्जॉस्टेड एंड विद नो प्रैक्टिस सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक तो दोस्तों ये आपको डायग्राम के माध्यम से खूब अच्छे समझ में आ गया होगा एट द फर्स्ट ब्लस एट द फर्स्ट ब्लस मतलब बच्चों पहली नजर में ये देखिए किस तरह से एक दूसरे को देख रहे हैं ये और पहली नजर में किसी से प्रभावित हो जाना या किसी से प्यार होने लगना तो एट द फर्स्ट ब्लस एट वेरियंस विद बच्चों एट वेरियंस विद का मतलब होता है भिन्न होना किसी से यानी किसी से अलग होना जैसे कि एक व्यक्ति की यही दो आंखें ली गई हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं ऐसा यहाँ पे डिफरेंस दिखाया जा रहा है तो गैस किसी से भिन्न होना किसी से अलग होना वेरिंग फ्रॉम समवन या समथिंग एवरेज इट सेल्फ आउट एवरेज इट सेल्फ आउट मतलब तो टू प्रोड्यूस रिजल्ट दैट बैलेंस द सिचुएशन एक ऐसा परिणाम देना जो सिचुएशन को बैलेंस करके रखे यानी कि संतुलन बनाना चीज में और अइंस्पायरिंग एक ऐसा कोई व्यक्ति जिसको देखकर के आपके मन में एक भय पैदा हो घर में ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जिसके आने के बाद में सभी बच्चे जो हैं डरे डरे से पिना शुरू हो जाते हैं तो बच्चों क्रिएटिंग फियर बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट तो ये भय एक तरह का इस तरह के का है क्योंकि तो आप उसका सम्मान करते हैं बच्चों हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं तो उनसे हम लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं तो बच्चों क्रिएटिंग फियर बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट भय पैदा करने वाला और इंस्पायरिंग देख रहे हैं बच्चों आप लोग अगला जो है हमारा वो है लास्ट एक्स टू ग्राइंड बच्चों एक्स टू ग्रैंड कौन होता है अपना उल्लू सीधा करना या अपना स्वार्थ सिद्ध करना बस अपना काम निकल जाए उसके बाद में खत्म अपना काम बनता और भाड़ में जाए जी हैविंग सम सेल्फिश मोटिव अपना स्वार्थ सिद्ध होना बस अपना काम निकाल लेना उसके बाद में आपको और से कोई मतलब नहीं है सो गैस यह है आपका आज के सभी इडियम्स जो मैंने आपको कोशिश की है कि पिक्चर के माध्यम से पढ़ाए जाएं जिससे कि आप लोग कभी भी इनको ना बोल पाएं ए अल्फाबेट के एडियम आपके यहाँ समाप्त होते हैं लगभग आपके ये इडियम्स सेवनटी टू एट्टी रहे होंगे और ये सभी इडियम्स को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा आप जिससे कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा और आराम हो जाए तो दोस्तों जुड़े रहेगा इसी तरह से वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो आपको मिले घर बैठे वो भी बिना किसी कीमत के चुकाए ओके दोस्तों बहुत शानदार सीरीज आप लोगों के लिए हमने शुरू की है तो कोशिश करूँगा कि एक कंटिन्यू आपके लिए जारी रहे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए